चलो निकलते हैं। Alright, what's up guys? Very good morning. Welcome to my channel, Wicked Rider. आज हम लोग का प्लान बना है गली कोटा जाने का, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। तो डेस्टिनेशन बहुत ही मज़ेदार है, बट जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ से काफ़ी दूर है। इट्स समवेयर अराउंड 305 किलोमीटर। तो इसलिए आज अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किए हम लोग, एंड लगेगा यहाँ से 5-6 घंटा पहुँचने में। तो वन डे ट्रिप है, जाके वापस आना है, एंड आई होप रात के 8-9 बजे तक कैसे भी करके पहुँच ही जाएंगे। Look at my Neo. मेरे को है। बात हो गई? बात हो गई। ठीक है। अभी बोल दिया लोकेशन शेयर करने के लिए। मैं साला ग्लव्स के साथ ढूंढ रहा हूँ, ये है क्या स्विच? फुल सर। 10 rupees। 10 rupees। 10। हाँ, 10 rupees। फुल कर दो। ये घटकना जरूरी है अभी। मैं सुबह क्या एक केला और प्रोटीन शेक पी का है, वो बेटर रहता है एक्चुअली। बट मैं जल्दी मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया। मैं ब्रीफिंग हो गया। हाँ भाई, जो बेसिक रूल होते हैं अपने। हाँ, बस ऐसे ऐसे कर देना है, जो हो ऐसे ही कर देना। एयर प्रेशर पढ़वा देता हूँ मैं, खींचो आप लोग। अभी सही है, तो देख सकते हैं सनराइज हो चुका है, एंड 110 किलोमीटर आई थिंक 40 मिनट्स में हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा और ड्रोन शॉट लेने के लिए रुके थे। तो अभी दिस इज माय नियो, ये कार्बोनेटो का बैग हो गया, स्टिकर लगाया मैं, हाँ बाप का रोड है। निकलते हैं फिर। यही सब है जो मज़ा आता है वीकेंड पर राइड पे निकलो, थोड़ी जगह एक्सप्लोर करो। चाय सुट्टा हो गया कि रहता है? चाय हो गया क्या? पी लिया? नहीं। अच्छा, पीछे एक मस्त जगह था ना। हाँ,
अरे विंडमिल वाला फोटो खींचे हम लोग, मस्त जगह था, खींचे नहीं क्या? नहीं, हमने कहा आ जाओगे तब खींचे। ऑलराइट, सो अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा, वो उधर देख सकते हैं आप किया प्लांट, यहाँ का राइट टर्न यहाँ से सीधा। एक्टिविटी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है तो नेटवर्क खुला रहा है। तो अभी थोड़ा सा रूट में कंफ्यूजन हो गया था, मैप आई थिंक लोड नहीं हो रहा था, तो अभी मैंने इसी में कनेक्ट कर लिया है, यहाँ से नेविगेशन दिखाता है, हालांकि उतना ज़्यादा वो नहीं डिटेल में पता लग पाता है, बट ठीक है काम चला हुआ है कि 6 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, देन उसके बाद में ETA दिखा रहा है 11:19 AM तक पहुँच जाएंगे एंड 158 किलोमीटर है, 3 hours 22 मिनट लगेगा। ये है ऐसा रिवर तरह है, ये इधर को देख सकते हैं डैम तो बना हुआ है, तो अभी पानी पूरा सूख चुका है, अभी तो क्या ही दिखाएंगे, टी ब्रेक लेंगे, काफ़ी कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कमर दर्द कर गया, थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग करेंगे। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा रोड ख़राब आया, अभी ठीक, अभी इधर वाला आई थिंक बीच में सही होगा, होना तो चाहिए सब। अच्छा, अरे मैं क्या किया, उधर बीच में आया था, एक कुत्ता ऐसे साइड में खड़ा हुआ था, तो हाँ राइट साइड में खड़ा हुआ था, मैं कहूँ ठीक है खड़ा रहेगा खड़ा रहेगा, आया अचानक से बीच में आ गया, मैं अचानक से हॉर्न मारा तब वो अपना हट गया, कोई सब्सक्राइबर तो नहीं था आपका मिलने आ गया। अभी बाबा बहुत ही बहुत टर्न है एक्चुअली, पूरा तब से टर्न ले के भाई कमर दुख गया है। तो नहा गई पूरी बाइक, तो अभी ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, थोड़ी देर रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे, सोचा था खाना खा लेते हैं, हाँ वो बेटर है क्योंकि आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं, और तो अभी थोड़ी थोड़ी लग गई है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहीं पे है ना, कहाँ पे बाइक कहाँ खड़ी करें आगे, ठीक है भाई, कहाँ दौड़ाते रहते पूरा भाई, बाद में मजाक था भाई। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी निकलेंगे सीधे आगे क्योंकि काफी टाइम ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आता है मजा, यहाँ से रास्ता देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे जाके बहुत बढ़िया रास्ता है, यहाँ से आप देख सकते हैं इधर से पूरा विंड मिल का रेन शुरू होता है एंड इधर तक है, लैंडस्लाइड हुआ रिवर क्रॉसिंग मिल रही है अपने को हिमाचल वाली रोड्स की तरह, तो ही निकालेंगे तो देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पत्थर यूज़ किया गया है यहाँ पे, बहुत सही, मतलब एक एक सिंगल सिंगल पत्थर से जो डिज़ाइन बनाया गया है अल्टीमेट है। ये देखिए यहाँ पे जो गेट है भाई,
पूरा लोहे का जबरदस्त। आई थिंक ये फोर्ट का एंट्रेंस था सिर्फ वो एम जी। ये निकल लिए हम लोग ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 6 घंटा ट्रैवल करने के बाद में इधर पे पहुँच ही गए हैं फाइनली। यही व्यू है जिसके लिए इतना टाइम लगाया है। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑलमोस्ट 12 बज चुका है। भाई ये बूट्स के साथ में ना चलना मुश्किल है, पाँव ज़्यादा बैंड नहीं हो पाता। कूद जाओ। अरे विनमस की मार ली भाई। स्क्रैच आया है, मेरे को लगा टूट गया पूरा। यही है भाई व्यू। कहाँ पे? ऊपर इधर से देखते हैं एक बार। ओह हो, क्या व्यू है भाई। मस्त मस्त मस्त, यही चाहिए था बस। ऑलराइट, तो अभी घूम चुके हैं गंडीगोड़ा फोर्ट एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। वेदर यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्म है। ओह कोल्ड ड्रिंक भाई, कोल्ड ड्रिंक। हाँ ओह फट गया भाई, फट गया बिल्कुल। सीट तो भाई गर्म हो गई है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे वागेपल्ली, वहाँ पे मिलेंगे अपने को जेडी भाई। रूट तो आई थिंक 50-60 किलोमीटर का ठीक है, बट उसके आगे वो देन अगेन वही ऑफ रोडिंग वाला मिलेगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी यहाँ से कहाँ पे, इधर राइट मुड़ना है सीधे जाके लैंड करा दे भाई। धीरे धीरे निकालता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है राइडिंग गियर्स पहन के। आ जाओ। तो अभी थोड़ा सा स्लो स्लो चलाएंगे क्योंकि राइडिंग गियर पहन के अभी पूरा दोपहर का टाइम है, इतना ज़्यादा गर्मी हो गया है। तो ये प्लेस है ऐसी कि भाई आप बेंगलोर से निकलो अराउंड दोपहर में, शाम में पहुँचो, सनसेट देखो, देन उसके बाद में नाइट कैंपिंग करो, एंड कैंपिंग करने के बाद में मॉर्निंग में अर्ली सनराइज़ देखो, सनराइज़ कर देख के वापस। तो इस टाइप का कुछ लोकेशन है। गर्मी में मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम लोग इतना गए और ऊपर से इतना पत्थर में चढ़ने की वजह से ना, ये राइडिंग शूज़ में जो स्टील वाला पार्ट होता है उसकी वजह से ये ज़्यादा बेंड नहीं हो पाते हैं। तो बट यानी हम इतना दूर राइड करके आए हैं तो नॉर्मल वाला शूज़ पहनना सजेस्टेड भी नहीं रहता, बेटर है कि थोड़ा सा प्रॉपर राइडिंग गियर पहनो जब भी लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं।